वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल के पराठा और उसके साथ आलू की सब्जी। इसके लिए मैंने चना दाल को भिगो के रखा था रात में। उसके बाद इसके लिए आपको चाहिए अदरक, हींग, जीरा, ऑयल, घी। और सब्जी के लिए आपको आलू चाहिए, टमाटर का प्यूरी मैंने पेस्ट करके रखा है, नमक, हल्दी, चिली पेस्ट, करी पत्ता और आटा का डो मैंने रेडी करके रखा है। आटा और मैदा मिला के इसका मैंने डो बनाया है। शुरू करते हैं। पहले मैंने चना दाल का पेस्ट बना लेती हूँ। थोड़ा सा मैं चना दाल रख दूंगी आलू की सब्जी में देने के लिए। इसके बाद मैंने जो अदरक का क्यूब काट के रखा है उसको दे दूंगी। इसमें अब जाएगा चिली पेस्ट। इसका एक अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। थोड़ा सा पानी दीजिए इसमें। ज्यादा पानी मत दीजिएगा पेस्ट में। इसका पेस्ट मैं रेडी कर ले रही हूँ। इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब मैं इसको कढ़ाई को गर्म कर ले रही हूँ। थोड़ा सा घी देके मैंने घी लिया था, उससे मैं इसको कर लूँगी। गर्म हो जाए उसमें थोड़ा सा जीरा दे दीजिए, घी दे दीजिए। जीरा चटकने लगे उसके बाद इसमें चना दाल का पेस्ट डाल दीजिए। अब इसमें नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी, और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको छोटे कर लीजिए क्योंकि इसका कच्चापन सब कुछ चला जाएगा। इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। तब तक मैं आलू की सब्जी बना लूंगी। कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल दे दूंगी। इसके बाद इसमें मैं जीरा दे दूंगी। अदरक जो मैंने थोड़ा सा रखा था उसको मैं इसमें कद्दूकस करके दे दूंगी। और इसमें चना दाल ऐड कर दूंगी। आलू को मैश कर लीजिए, ज्यादा नहीं, हल्का 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 मैश कर लीजिए, पूरा मैश मत कीजिएगा। उसके बाद इसमें नमक दे दीजिए तो आप मिला लीजिए।
इसको आप सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए और रात में खाने के लिए बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसमें टमाटर ऐड कर दी हूँ। चिली पेस्ट, नमक, हल्दी, अब इसको अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें कई पत्ते मैं ऐड कर दे रही हूँ। अब इसमें मैं पानी गर्म करके रखती थी, उसको दे रही हूँ। इसमें करी पत्ते दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अब इसको मैं कुछ देर के लिए ढक दे रही हूँ, 10 मिनट के लिए। रेडी हो गया आलू की सब्जी। अब चना दाल भी जो मैंने पेट बना के रखा था वो भी ठंडा हो गया। ये अब पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। आटे का लोई मैंने बना लिया है। इस तरह से पूरी बना लेते हैं। हल्के हाथों से इसको देंगे। इसको फ्राई करने देते हैं। इसको पलट दीजिए। इसमें आप चाहे तो इसको घी से भी फ्राई कर सकते हैं या तो बटर से भी फ्राई कर सकते हैं।
और एक बनाना ले रही हूँ। आप इसको घर में ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में ये। पराठा रेडी, और मैं इसको सर्व करता हूँ। रेडी चना दाल का पराठा और आलू और चना दाल की सब्जी, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। अब चारों ओर से देखिए फूल पूरा मिक्स हो गया है चना दाल का, अब देख ही सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बोलिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे ऐसे वीडियो का। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके व्यूवर्स, बाय बाय।